नमस्कार दोस्तों, छिया की टोली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो खूबसूरत एक महल देख रहे हैं, ये एक्चुअली में एक महल नहीं है, ये एक मॉल है जो नोएडा में पड़ता है, दिल्ली के पास। ये एक महल जैसा ज़रूर आपको दिख रहा है, बट ये मॉल है। मॉल बाकी मॉल से अलग कैसे है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। एक खूबसूरत हेरिटेज और जो बड़े राजा महाराजाओं का जो महल होता है ना, वो महल जैसा इस मॉल में आपको फीलिंग आएगा। बाकी आगे मैं आपको दिखाऊंगा इस मॉल के बारे में, अनेक चीज़ें बताऊंगा कि इस मॉल में क्या क्या है, स्पेशल क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको आज तक किसी मॉल में नहीं मिलेगी, वो इस मॉल में मिलने वाली है। एक हेरिटेज सा पियानो रखा हुआ है यहाँ पे, हालांकि इसको आपको बजाने को तो नहीं मिलेगा, हाँ देख के मजा ले सकते हो आप। दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट फ्लोर और ये पूरा जो डिज़ाइन है, हालांकि ये तो मुझे नवाबों के शहर लखनऊ की याद दिला रहा है, जो मेरा होम टाउन है। और ये जो पूरे गुंबद है, और मुझे लगता है कि मॉल में इस तरीके की कारीगरी शायद मैंने तो पहली बार देखी है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये किसी मॉल का नज़ारा अगर आप बोलें, और मैं आपको बोलूं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, बट ये सच में मॉल है, बहुत हेरिटेज सा मॉल है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा शानदार है, और एक खूबसूरत एक राजमहल वाला फीलिंग आपको दे रहा है। देखिए, मैंने मंगाया है कुलचा, और कुलचा ऐसा वैसा कुलचा नहीं है, ये है कुल्हड़ कुलचा। अब कुल्हड़ कुलचा की खासियत क्या है, कुलचा तो नॉर्मल मिलेगा आपको, नींबू स्लाइस मिलेगा, बट ये जो छोले हैं, ये जो सब्जी है एक्चुअली में, ये आपको कुल्हड़ में मिलती है, ये इसकी स्पेशलिटी है। और ये आपको दो पीस में मिलता है, यानी एक नहीं दो मिलता है। तो अब इसमें कुछ जब आप खाते हैं ना, तो उसका मज़ा थोड़ा अलग हो जाता है, स्वाद अलग हो जाता है, क्योंकि आप कुल्हड़ में इसको खा रहे हैं। मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा लग रहा है, हालाँकि देखने में तो टेस्टी है, खाने में कैसा है वो देखने के बाद। बढ़िया, वैसे अपन जो रोड स्ट्रीट पे खाते हैं ना, वो स्वाद भी ऐसे ही है, बट यहाँ खाने के बाद वो एम्बियंस एटमोसफेयर और इतना जो पैसा दिया है ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको अच्छे ही लगेगा वो। अब देखिए, ये दूसरी स्पेशल डिश है, इसको बोलते हैं समोसा चाट। अब इसमें आपको चाट दिख रहा है, समोसा दिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि समोसा जो है ना वो साइलेंस है, जैसे नॉलेज में केक ऐसे साइलेंस हो जाता है, वैसे समोसा चाट में समोसा साइलेंस है। चाट खा के देखते हैं, ये बढ़िया चीज़ है, अगर आप इसमें नींबू डाल के खाओगे ना, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, बेहतरीन चीज़ है। देखिए दोस्तों, ये है इस मॉल की सबसे खास चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, ये जनरली हर मॉल में नहीं मिलता है। आप नदी, झील, तालाब, कुछ भी बोल सकते हैं, रिवर, एक रिवर लेन बोल सकते हैं, पूरा ब्लू वाटर है। मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखाता हूँ एक बार। देखिए, एक खूबसूरत सी बोट भी है, इसमें 300 रुपये पर राइड का लेते हैं ये लोग। पानी बहुत ज़्यादा होगा तो 2.5-3 फीट से ज़्यादा पानी मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब उसमें ये बोट तैरती कैसी होगी वो तो भगवान जाने। कुल मिला के ये एक छोटी सी बिजनेस स्ट्रेटजी आप बोल सकते हैं, इस तरीके के चीज़ों को बना के आप कस्टमर को एक तरह से आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर मॉल में नहीं मिलती हैं, यहाँ पे मिल रही है, चलो अपन एक बार देख के आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं इस तरीके से, कुछ देखिए उसको बनाया गया है, वहाँ पे बोट आप लेंगे, और ये खूबसूरत सा पानी पूरा ब्लू दिख रहा है, और 2.5-3 फीट से ज़्यादा पानी मुझे भी दिख रहा है, घुटने तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, और ये काफ़ी लंबा है, आगे तक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से ये पानी है, और मुझे लगता है यदि आप बोट वगैरह करते होंगे तो ये बोट सीधे यहाँ से लेके जाएगा, लेकिन क्या ही चलाएगा यार बोट 2.5 फीट के पानी में बहन। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना दिया है, देखिए ये पानी, और इस तरफ भी है, हाँ इस तरफ थोड़ा बढ़िया फील आ रहा है, क्योंकि एकदम शांति है, अंधेरा है, यहाँ पे आप लेके आओ तो कुछ मज़ा है। और इस तरीके से देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये बोर्ड पूरा ऐसे करके आपको ये घुमाएगी, ये आगे तक देखिए। इसकी एक खासियत मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों बनाया गया, किससे इंस्पायर है। एक्चुअली में दोस्तों, यूरोप में एक ग्रीक जगह है, ग्रीक का नाम आपने सुना होगा,
वहाँ पे एक वेनिस करके एक जगह है, वहाँ पर दोस्तों कहते हैं जमीन नहीं है, पूरा जो शहर है एक छोटा सा वो पूरा पानी पे ही बसा है, नाव है वहाँ पे, बोट चलती हैं और सब कुछ उसी से ही ऑपरेट होता है, एक छोटा सा एक टापू जैसा आप कह सकते हैं यूरोप में। से इंस्पायर होके इस मॉल को है जो पूरा डेकोरेट किया गया है, स्ट्रक्चर उसका वैसे ही बनाया गया है जैसे ग्रीक की उस जगह का है जिसका नाम वेनिस है, और जहाँ पर पूरा बोट से काम होता है, बोट से ही सब लोग अपना आना जाना करते हैं। देखिए एक फैमिली यहाँ पर घूम रही है, मैं उसी को आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा था, देखिए सेम वही चीज़ यहाँ पे फिल्माने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, पुराने फिल्मी गाने सुनाए जाते हैं जो शूट हो चुके हैं। आपने किस तरीके से यहाँ पे आपको यूरोप वाला फीलिंग दिया जाता है, यूरोप के कुछ जगहों को इंस्पायर करके यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है इस मॉल में, और वही इसकी खासियत है। उसी को देखने के लिए दिल्ली, नोएडा, NCR से लोग यहाँ पे स्पेशली इस वेनिस मॉल में देखने आते हैं।